धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सीताराम मरंडी ने कहा कि एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन की सीमा में अब FIR दर्ज हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति धर्मशाला आया है और उसकी FIR मनाली पुलिस स्टेशन में दर्ज होनी है तो पुलिस उस व्यक्ति को तंग करने के बजाय उसकी कंप्लेंट पुलिस ले लेगी और उसे स्कैन करके मनाली पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा ताकि शिकायतकर्ता को शारीरिक रूप से कोई कष्ट न पहुंचे। इससे आम लोगों को हरासमेंट की जगह राहत मिलेगी। मरंडी ने कहा कि लोगों को जल्द न्याय मिले और उन्हें कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, इस दिशा में पुलिस विभाग कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों के चलते शिमला में साइबर लैब स्थापित की जाएगी। केंद्र की ओर से साइबर लैब के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं और पुलिस को ऐसे मामले निपटाने में कमजोर होने के बारे में DGP ने अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि इसी कमजोरी को दूर करने के लिए शिमला में साइबर लैब की स्थापना की जा रही है। मरंडी ने कहा कि पुलिस की आलोचना का वे स्वागत करते हैं, आलोचनाओं से कार्यप्रणाली निखरती है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में पुलिस की छवि को और बेहतर बनाने के लिए थाना प्रभारियों के साथ बैठक की जा रही है। मरंडी ने कहा कि पुलिस में ड्रग माफिया के खिलाफ कोई ढील नहीं बरती जाएगी। नशे के सामान की मात्रा कम हो या ज्यादा, कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस नशे के काले कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाए रखेगी और अब ज्यादा जोर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशे का कारोबार करने वालों को पकड़ने पर दिया जाएगा। DGP ने कहा कि हालांकि जिला कांगड़ा में पिछले कुछ महीनों में अधिक घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन उन पर काम हुआ है। कई ऐसे मामले हैं जिन्हें जिला पुलिस ने समय रहते सुलझाया है। इसके लिए SP संतोष पटियाल बधाई के पात्र हैं। देश भर में हिमाचल पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर आंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि सही मायने में हिमाचल पुलिस गोल्ड है। शुरू किया है तो पहला कॉन्फ्रेंस सदर्न रेंज शिमला में हुआ है और सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो सेंट्रल रेंज मंडी में हुआ है और थर्ड कॉन्फ्रेंस जो है आज नॉर्दर्न रेंज का धर्मशाला में हो रही है। और इसमें तीन जिला जो ऊना, धर्म, कांगड़ा और चंबा के SP तथा और इनके ऑफिसर्स और SHOs मौजूद हैं। इसमें हम इनकी समस्याओं के बारे में हम अपनी तरफ से पहले जो जो डायरेक्शन दिया है और पुलिस की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया और उसके बाद इनकी समस्या सुनना है। इनका कई तरह का लीगल इश्यूज होती है और इन्होंने केसेस के बारे में कुछ जानकारी भी हमारे से हासिल करना चाहते हैं और साथ साथ इनका एडमिनिस्ट्रेटिव और गाड़ियों का, मैन पावर का प्रॉब्लम्स भी है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि जो कटिंग एज लेवल जो SHOs है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो हमारा असली काम वही करते हैं। थाने में हमारा असली काम होता है और जब तक हम इन थाने में जो SHOs है, IOs है, इनके साथ गैप रखेंगे तो हम ऑफिसर्स जो चाहते हैं वो SHOs को कई बार पता नहीं चलता। तो उनसे अगर हम डायरेक्ट बात करें और उनको हमें कई चीजें पता लगता है कि कई इंस्ट्रक्शन जो है उनको कन्वे नहीं हुआ और कई डाउट उनके माइंड में अभी भी है। इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ये हमने नया एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया है कि इनसे हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करें, इनके साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करें और इनका समस्या वो पूछे और हमारी तरफ से जो डायरेक्शन है उसके बारे में बताए। और इसमें आज एक बात उभर के आई है तो एक पुलिस स्टेशन से अगर हम जो दूसरे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराना, मतलब जो कंप्लेनेंट अगर मान लो धर्मशाला पुलिस स्टेशन में आ गया और उनका FIR दर्ज होनी है मनाली में, तो इनको हरास करने की जगह हम जो है उसका कंप्लेंट ले लेते हैं और कंप्लेंट को स्कैन करके मनाली पुलिस स्टेशन भेज देंगे और वहां का SHO अपनी तरफ से FIR देगा ताकि कंप्लेनेंट को फिजिकली ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाने का हरासमेंट जो है कम। हम इसमें कंप्लेनेंट की जो कन्वीनियंस के बारे में सोच रहे हैं, लोगों की सुविधा के बारे में सोच रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे लोगों को बेटर जस्टिस मिले और फास्टर मिले और ज्यादा इनकन्वीनियंस ना हो, इसके बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं